सपोर्ट इंडिया संस्था के अध्यक्ष अधिवक्ता सुरेशचंद सोनी की अगुवाई में भारी संख्या में दलितों ने जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कर दलितों के साथ हो रही लूट कसोट से निजात दिलाने की मांग की। जिलाधिकारी एनजी रवि कुमार की अनुपस्थिति में दोषियों के खिलाफ कलेक्ट्रेट प्रांगण में पीड़ितों के साथ धरने पर बैठ गए। पुलिस की मौजूदगी में पीड़ित दलितों को समझाने आए सिटी मजिस्ट्रेट और अधिवक्ता सुरेशचंद सोनी में गर्मा गर्मी हो गयी। सिटी मजिस्ट्रेट अरुण कुमार यादव अपनी मर्यादा भूल गए और अपनी मानसिकता के बसीबूत होकर न्याय की गुहार लगा रहे दलितों के लिए अमर्यादित भाषा का उपयोग कर माहौल को गर्म कर दिया। चढ़ के करेंगे बिल्कुल बिल्कुल तो चढ़ जाइए ऐसे थोड़ी तो चढ़ जाइए बैठ जाए चढ़ जाने का तरीका आप चढ़ जाएंगे हमारी बात नहीं सुनेंगे। एक अधिकारी पहले अभी आए अरे तो आप उनसे बात नहीं की रुकिए एक मिनट इस चक्कर में रहिए कि इतनी भीड़ लेकर के आए तो फिर क्या करेंगे आप जो चीज जो नियम होगा वही काम होगा लाइटिंग करवा देंगे आप जो चाहे वो करा देंगे आप दलितों पर लाठीचार्ज करा देंगे आप धन्यवाद लगे आप धन्यवाद लगे हम दलित हैं ये सब दलित हो सब दलित लगने से क्या मतलब होता है लगने से क्या मतलब होता है क्या नंगे डोले हैं आपके सामने हम क्या नंगे डोले हैं आपके सामने आप चढ़े आए हमारे तो आने दीजिए गारंट वाला कलेक्टर नहीं है हम कलेक्टर साथ से मिलने आए वो प्राइवेट आदमी है वो आप उन्हें बुला लीजिएगा एडीएम साहब आ जाएंगे देखिए आप सिटी मजिस्ट्रेट हैं आप बड़े अधिकारी हमारे लिए लेकिन आप चढ़िए मत हम पर बड़ा अधिकारी हूँ आप चढ़िए मत हम देखो मैं छोटा डीएम साहब हमसे आप करके बात करते हैं और आप हमसे कह रहे हो कि ऐसे होते हैं दलित ऐसी बात मैंने नहीं कही अब आप मैं आपके खिलाफ अर्जेंट एक्ट का मुकदमा कर दूंगा और मैं हाईकोर्ट का वकील हूँ मैं सम्मान करता हूँ पहुँच दीजिए ये अर्जेंट एक्ट में आता है ये नहीं नहीं पहले सिटी मजिस्ट्रेट है तो आप हमारे लिए कलेक्टर थोड़े ही हो कलेक्टर साहब हमसे बात करते हैं आप करके आप चढ़ रहे हैं आप दलित बच्चे हो दलित के नंबर डोलता है ये मैंने नहीं कहा। सिटी मजिस्ट्रेट के अमर्यादित भाषा का उपयोग करने पर सपोर्ट इंडिया के अध्यक्ष अधिवक्ता सुरेशचंद सोनी ने सिटी मजिस्ट्रेट अरुण कुमार यादव के खिलाफ हरिजन एक्ट में मुकदमा लिखाकर ऐसे अधिकारियों को सबक सिखाने की चेतावनी दे डाली। सिटी मजिस्ट्रेट साहब एकदम ऐसे चढ़ के आए जैसे कि कोई उनके खिलाफ कोई प्रदर्शन हो रहा है या उनके खिलाफ कुछ कहा है। हम तो डीएम साहब से मिलने आए थे वो हमसे ढंग से बात करते हैं हमसे आप करके बात करते हैं वो और ये चढ़ते हुए आए। हमने कहा कि हम दलित लोग हैं यहाँ बैठे हैं तो उन्होंने कहा दलित ऐसे होते हैं तो दलित कैसे होते हैं तो उनकी मनसा ये थी कि दलित नंगे होते हैं काले होते हैं मूछें होती हैं तो वो बनाते नहीं हैं लाट टपकी होनी चाहिए आंख में ढीड़ भरी होनी चाहिए। उनको ये नहीं पता कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बदौलत आज दलित जो है इस मुकाम पर है कि आपसे बातचीत कर सकता है। अभी इनकी मानसिकता नहीं बदली है ये यादव हैं ऐसा लगता है कि ये समाजवादी पार्टी से संबंध रखते हैं और इनके खिलाफ जो है अनुसूचित जाति जनजाति आयोग में एक याचिका प्रस्तुत की जाएगी कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाए। सिटी मजिस्ट्रेट की अमर्यादित भाषा पर गुस्साए दलितों की मनसा को भांपते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अरुण कुमार यादव ने अपने कदम वापस लेना ही उचित समझा और अपनी भाषा पर बयान देने से बचते रहे। 7 इंडिया न्यूज के लिए कैमरा पर्सन भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह की रिपोर्ट।